नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। एसडीएम ज्योति मौर्या केस, मनीष दुबे के खिलाफ लिया जा सकता है एक्शन। आलोक मौर्या के जान से मारने के आरोपों की जांच पूरी। आपको बता दें कि आलोक मौर्या की शिकायत के बाद इस मामले की जांच डीजी होमगार्ड वीके मौर्या ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को सौंपी थी। सूत्रों की माने तो इस मामले की जांच पूरी हो गई है। आपको बता दें कि बरेली की पीसीएस अधिकारी यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के बीच का विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर अब भी इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। लोग इस पर अलग अलग राय रख रहे हैं और आलोक मौर्या ने अपने आरोप जो लगाए थे कि उसकी पत्नी का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों ने उसे मारने की साजिश की, इस मामले की जाँच की जा रही थी। खबरों की माने तो अब ये जांच पूरी हो गई है और जांच कमेटी ने डीजी होमगार्ड को जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। दरअसल प्रयागराज के रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आलोक मौर्या का आरोप है कि उसने ज्योति मौर्या को उच्च शिक्षा दिलाई और जब वो अफसर बन गई तो उसने उसे छोड़ दिया। साल 2020 में वो होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में आई, दोनों का अफेयर चल रहा है और अब उन्होंने मिलकर उसे मारने की साजिश की है। आलोक ने इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई। अपनी शिकायत के साथ साथ उसने सबूत के तौर पर मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट भी दी। सोशल मीडिया पर भी जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। हिंदी अखबार हिंदुस्तान के अनुसार आलोक मौर्या की शिकायत के बाद इस मामले की जांच डीजी होमगार्ड वीके मौर्या ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार सौंपी थी। सूत्रों की माने तो इस मामले की जांच पूरी हो गई है और रिपोर्ट को डीजी को भी सौंप दिया गया है। इस बीच मनीष दुबे को महोबा ट्रांसफर कर दिया गया है। बीते दिनों जब वो बैठक के सिलसिले में झांसी पहुंचे थे तो पत्रकारों ने उनसे बात भी करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी और बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। वहीं डीजी होमगार्ड ने कहा था कि वो ज्योति मौर्या को नहीं जानते, मनीष दुबे अच्छे अधिकारी हैं। अब आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।